रोडू में गौवंश का सिर काटकर माहौल को बिगाड़ने के षड्यंत्र के खिलाफ विश्व हिंदू परिषद लामबंद हो गया है और बिना वजह ही कुछ हिंदू लोगों पर मामला दर्ज किए जाने का परिषद विरोध कर रही है। साथ ही परिषद के सदस्यों ने पुलिस के रवैये पर भी शक जाहिर करते हुए इस मामले में कोताही बरतने का आरोप लगाया। विश्व हिंदू परिषद जिला हमीरपुर ने रोडू में गौवंश हत्या के संदर्भ में उपायुक्त हमीरपुर के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भी भेजा। रोडू के अलावा हमीरपुर के नदौन में भी ऐसी ही तथाकथित पाकिस्तान के हक में नारे लगना, नेरचौक के निर्माणाधीन अस्पताल में भारत की बर्बादी के नारे लिखना, सुबाथू के सेना क्षेत्र में भारत और हिंदूवादी संगठनों को धमकियां लिखना, स्वारघाट में कावड़ियों को पीटने जैसी कई घटनाओं को हिमाचल प्रदेश में अंजाम दिया जा चुका है। लेकिन जो घटना हाल ही में रोडू में हुई है उसमें गौवंश की हत्या करने वाले अपराधियों को पुलिस अभी तक गिरफ्तार नहीं कर पाई है। इस कारण हिंदू समाज में गहरा रोष है और उन्हें आंदोलन के लिए बाध्य किया जा रहा है। प्रतिनिधिमंडल में प्रांत सह गौरक्षक प्रमुख विश्व हिंदू परिषद नीरज कुमार ने कहा कि रोडू में गौवंश का सिर काटकर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। बिना वजह ही कुछ हिंदू परिवार पर मामले दर्ज किए जाने का परिषद न्याय की मांग कर रही है। उन्होंने कहा कि इस मामले में पुलिस भी ठीक ढंग से काम नहीं कर रही है। नीरज कुमार, प्रांत सह गौरक्षक प्रमुख विश्व हिंदू परिषद। रोडू में हुए गौवंश हत्याकांड पर जिस प्रकार से प्रशासनिक अधिकारियों की नाकामी से कुछ एक हिंदूवादी लोगों के खिलाफ प्रशासन ने जो झूठे केस दायर किए हैं, हम आज उनका यहाँ पे विरोध दर्ज करवाने आए हैं और मुख्यमंत्री जी के पास हम अपने जिलाधीश महोदया हमीरपुर के थ्रू कंप्लेंट जो है वो दर्ज करवाने आए हैं कि जो झूठे केस हमारे कार्यकर्ताओं पर बनाए हैं उसको प्रदेश सरकार तुरंत प्रभाव से वापस ले, अन्यथा हम जो है आंदोलन करने से गुरेज नहीं करेंगे। कितने लोगों पे केस बने? लगभग हमारे 14 से 20 लोगों तक की जो है वो सूची है जिन पे केस बने हैं, जबकि जो गौ हत्यारे हैं वो अभी भी पुलिस की गिरफ्त से बाहर हैं। तो पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? पुलिस का कुछ भी कहना नहीं है। अगर पुलिस का अगर रवैया सही होता तो वो गौ हत्यारों को पकड़ लेती और उसके बाद जो है वो केस बनने ही नहीं थे। अगर पुलिस सुस्त नहीं होती तो ऐसा कुछ होना नहीं था रोडू में, जिस प्रकार से पुलिस का ढुलमुल रवैया रहा है। और इसमें हम प्रशासन से ये मांग भी करते हैं कि जो लोग बाहर से जो प्रवासी लोग आ रहे हैं, चाहे वो मजदूरी की आड़ में चाहे वो व्यापार की आड़ में आ रहे हैं, तो उनका जो है प्रशासन के पास पूरा पंजीकरण हो, पूरा उनके पास रिकॉर्ड हो, ताकि कोई भी जो घटना होती है उसके लिए प्रशासन जो है वो सचेत रह के उन ऐसे व्यक्तियों को जो पकड़ सके। अभी नदौन में जो है वो भारत मुर्दाबाद के नारे लग रहे हैं, स्वारघाट में कांवड़ियों को पीटा जा रहा है बाहरी लोगों के द्वारा, तो ये प्रशासन पे जो है एक प्रश्न चिन्ह जो है खड़ा करता है। तो इसमें प्रशासन को जो है सोचना चाहिए। तो इसी संदर्भ में हम ये भी आए हैं कि प्रशासन के पास प्रवासी जो जितने भी लोग हैं उन सबका पंजीकरण हो, तो हम प्रशासन से भी ये मांग कर रहे हैं।